जैसा कि आपने देख ही लिया है कि 5 नए चैनल आने वाले हैं डीडी फ्री डिश पर। तो कौन कौन से चैनल होने वाले हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो स्वागत है आपका डीटीएच के पंडित यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना दोस्त शिवम शर्मा आपको आज डीडी फ्री डिश की नई अपडेट देने वाला हूं। तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो 5 चैनल होने वाले हैं जो कि पिछतरवी ई ऑक्शन में आ सकते हैं। तो डीडी फ्री डिश पर हमें हमेशा इंतजार रहता है कि डीडी फ्री डिश पर कब हमें नए चैनल देखने को मिले। तो कुछ चैनल है जो कि आपको डीडी फ्री डिश पर इस बार आएंगे। हमारे डीडी फ्री डिश पर तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलिए बात करते हैं चैनल की। तो जो इसमें जो पहला चैनल रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों का पेन स्टूडियो का चैनल आई लव। ये पहले एक म्यूजिक चैनल था पर पेन स्टूडियो द्वारा इसे रिब्रांड कर दिया गया है अब एक गुजराती मूवीज चैनल के रूप में। और इस पर आपको गुजराती मूवीज दिखाई जा रही हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करें दूसरे चैनल की तो दूसरा चैनल है एम ट्यून्स एक हिंदी म्यूजिक चैनल था बट अब इसको रिवाइव कर दिया गया है हिंदी मूवीज़ के चैनल में और ये एक अच्छा चैनल हो चुका है और क्वालिटी भी अच्छी है तो इसको भी डीडी फ्री पर ज़रूर आना चाहिए। बात करें तीसरे चैनल की तो जो तीसरा चैनल है वो है शिमारू ग्रुप का शिमारू क्लासिक। एक शिमारू का क्लासिक मूवीज चैनल रहने वाला जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये शिमारू का क्लासिक मूवीज चैनल रहने वाला है। उस पर शिमारू की ओल्ड क्लासिक मूवीज दिखाई जाएंगी जिसका कि शिमारू के पास भंडार है। और बात करें हमारे चौथे चैनल की तो जो हमारा चौथा चैनल रहने वाला है वो रहने वाला है शिमारू बॉलीवुड जिसका तो आप नाम से ही पता चल रहा है कि इस पर आपको शिमारू की बॉलीवुड मूवीज दिखाई जाएंगी। और इस ये एक शिमारू का बॉलीवुड मूवीज का चैनल रहने वाला है और शिमारू के पास बॉलीवुड की भी बहुत सारी मूवीज हैं जिसको कि वो अपने इस चैनल पर दिखाएगा। बात करें पांचवे चैनल की तो जो हमारा पांचवा चैनल है वो है जी अनमोल सिनेमा 2। ये जी अनमोल का सिस्टर चैनल रहने वाला है जिसको कि जी मीडिया द्वारा लाइसेंस भी ले लिया गया है इस चैनल का। और इस चैनल को जब लॉन्च किया जाएगा तो इसे डीडी फ्री डिश पर ज़रूर लाया जाएगा और हो सकता है कि इसे इसी साल डीडी फ्री डिश पर उतार दिया जाए और इसे हो सकता है सबसे पहले डीडी फ्री डिश पर लाया जाए। और डीडी फ्री डिश पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि डीडी फ्री डिश से हटने चाहिए तो आप उनको कमेंट करके बता सकती हैं जो कि बिना किसी कंटेंट के डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध हैं और अपना स्लॉट ख़राब करते हैं नए चैनल्स का। तो हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और डीडी फ्री डिश से रिलेटेड ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।